अब समझना बच्चे की दुर्गति कहां हो रही है। बच्चे को 2 साल 3 साल 4 साल तक छोड़ दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। बच्चा बड़ा खेलता है, मस्त रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, बड़ी पावरफुल जिद रहती है, बड़ा पावरफुल कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसका। लेकिन 4 साल का होता तो हम पीछे पड़ जाते, अब तो बड़ा हो गया है। ये क्या नौकरों के साथ खेल रहा है, ये क्या कीचड़ में खेल रहा है, अरे उसको मजा आ रहा है लेकिन हम ठूस देते, ये क्या कर रहा है, देखता नहीं कपड़े गंदे हो गए। अरे तो आपने ये जो सुपर कॉन्शियस माइंड खो दिया है तो आप धो देना, आपका और कोई काम नहीं बचा, लेकिन उसको क्यों परेशान करते हैं, आप तो खो चुके, अब उससे ज्यादा करेंगे क्या। वो खेल रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे का मन देखो, बच्चे इकट्ठे हो जाते सब तो बड़ा प्रेम से मिलते करते, खेलते करते भी थोड़ी देर में झगड़ा हो जाता तो क्रोध में उतर आते सब, ये फेंका वो फेंका, फिर आधे घंटे में भूल जाते, फिर वही बच्चे खेलने लग जाते। क्यों? क्योंकि प्रेम और क्रोध में कोई भी पाप नहीं है। लेकिन 1 सालों की गलत साइकोलॉजी समझने कारण न मन को समझा न प्रकृति के नियम को समझा, लेकिन बोल दिया कि प्रेम और क्रोध पाप है, बच्चा नादान है, उसको सिखाना पड़ेगा। तो हम बच्चे को सिखाते हैं, वो बच्चा जो पैदाइशी जंगल का शेर बन के पैदा हुआ था, हम उसको ट्रेंड करके सर्कस का शेर बना देते हैं। ये दुर्गति हो जाती बच्चे की, पीछे पड़ जाते बच्चे के, ये तो सीखना ही पड़ेगा, अब तुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा तो वो रोता, बच्चा रोता है कि मुझे नहीं जाना मां, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे तेरे साथ बैठना है, मैं घर में खुश हूं, क्यों मेरी प्रसन्नता में व्यवधान डाल रहे हो। वो सोचता, हम समझते नहीं कि हमने स्कूल जाके क्या कर लिया, जाना तो पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना तो पड़ेगा, सलीके सीखने तो पड़ेंगे। अब ये आप जो भी सलीका सिखा रहे हैं उसे, आप जो कुछ बच्चे को सिखा रहे हैं, मैं आपकी भावना पर डाउट नहीं करता किसी की, स्कूल में टीचर भी सिखाते ऐसे खड़े होना, वो करना, उसको मालूम ही नहीं कि थोड़ा बड़े होते ही चारों तरफ से अटैक होने वाले हैं, ऐसा करो वैसा करो ये मत करो, कुछ करोगे तो बेंच पे खड़े कर दिए जाओगे, फंस नहीं आओगे तो डांट सुनोगे घर पे। क्यों? आप भविष्य बना रहे हैं। छोटे बच्चे को परंपराएं समझाई जाती, बेटा हम जो है ना ब्राह्मण है, तो अब बच्चे को मालूम ही नहीं हम क्या है, हम हिंदू हैं, हाँ ऑर्डिनरी में समझना अपने को, अब उसको कहां पढ़िए। लेकिन उसकी ब्रेन की कंडीशनिंग की जाती, उसका ब्रेन पावरफुल बनाया जाता, ये सब हम करते, गौर से देखना, बच्चे को बड़ा सताते, इंतजार करते कि तू थोड़ा सा दिखना चाहिए कि हाँ अब बड़ा हो गया अब आओ, तो सब टूट पड़ते। क्या परिवार, क्या चाहने वाले, क्या स्कूल, क्या समाज, क्या धर्मशास्त्र, सब टूट पड़ते उसको सिखाने के लिए, उसको ट्रेंड करने के लिए, जंगल के शेर को सर्कस का शेर बनाने के लिए। क्योंकि जब हम सर्कस के शेर हैं तो उसको जंगल का शेर कैसे बनने देंगे, यही हम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे का जो हम प्रेम दबा रहे हैं, बच्चे का जो हम क्रोध दबा रहे हैं, उसका क्या, इस पे किसी की निगाह नहीं जाती। ट्रेंड तो उसको कर रहे हैं आप, सोसाइटी के लायक बना रहे हैं, परिवार के लायक बना रहे हैं, जल्दी क्या है, बन जाएगा वो, सब बन गए, सारे अनपढ़ बन गए, सारे नास्तिक बन गए, प्रकृति के नियम को तो समझो। लेकिन किसी के पास कैलकुलेशन नहीं है बच्चे के क्रोध दबने का और बच्चे के प्रेम दबाने का। कितना दबता आप देखना आज के बाद, कि आपको जो चीज ठीक लगती, आप जहां खुश है वहां से हिलना नहीं चाहते, प्रेमपूर्ण वातावरण में बैठे हैं आप हिलना नहीं चाहते, आपको हिलना चाहिए भी नहीं, लेकिन हिलाने वाले आ जाते हैं। क्रोध एक स्वाभाविक क्रिया है, प्रकृति की ऊर्जा है, मेरे मन माफिक नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं, तो मैं क्रोध करूंगा, मैं ऐतराज करूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि मुझे पसंद नहीं आया, क्रोध का मतलब क्या है, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं आया तो मैं चिल्लाया। अब आप बड़े हैं, बिठा दिया स्कूल बस में तो बैठ गया, रो रहा हूं मर रहा हूं लेकिन जा रहा हूं ना, लेकिन आप नोटिस तो करो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, वो टीचर ने डांटा मुझे अच्छा नहीं लगा, इतने छोटे बच्चे को बेंच में खड़ा करा मुझे अच्छा नहीं लगा, कंपल्शन में डाला कि तुझे होमवर्क करना ही पड़ेगा मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन हमारे पास कोई कैलकुलेशन नहीं, साइकोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है,
ये जो क्रोध और प्रेम बच्चे का दब रहा है, यहीं से आकर मनुष्य जीवन की सारी दुर्गति स्टार्ट हो रही है। लाखों लोगों के जीवन में आशा की नई किरण जगाकर उनके लिए एक मार्गदर्शक, गुरु और दोस्त का रोल निभाने वाले दीप त्रिवेदी ने मनुष्यों को स्वयं से मिलवाकर उनके पोटेंशियल को निखारा है। उनकी बेस्ट सेलिंग किताबें जैसे मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ पढ़कर तथा भगवत गीता, अष्टावक्र गीता और ताओ ते चिंग पर चर्चाएं व जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं पर किए गए वर्कशॉप सुनकर मनुष्य तेजी से परिवर्तित हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसी वजह से उन्हें स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स का पायनियर भी कहा जाता है। समाज में उनके असीमित योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों एवं उपाधियों से सम्मानित भी किया गया है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु उन्हें मात्र सुनना और पढ़ना पर्याप्त है। आपने हजारों कहानियाँ सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियाँ में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। इस किताब में वर्णित कहानियाँ आपको महापुरुषों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों की रोमांचक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं, जिन्हें पढ़कर आपको न सिर्फ मजा आएगा बल्कि इससे आपके जीवन में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। जिस कृष्ण को राधा से एक पल की जुदाई तक बर्दाश्त नहीं थी, उस कृष्ण को अपनी प्यारी राधा से हमेशा के लिए क्यों बिछड़ना पड़ा? क्यों दोनों जीवन के 90 वर्ष तक एक दूसरे से नहीं मिल पाए? क्या थी दोनों की मजबूरी? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ।